नमस्ते, मेरा नाम सेफ साजन है। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनपुर। आज मैं आपके सामने एक रेसिपी बनाऊंगा जिसका नाम है बनियाट उपमा या मिलेट उपमा। बनियाट को श्याम भात भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन म्यूजिक के उस पार। मेरा सॉसपैन गरम हो चुका है, मैं इसमें थोड़े से घी या ऑयल लीजिए। मैं यहाँ पे घी लिया हूँ और यहाँ पे मैं मिलेट यहाँ पे थोड़ा से रोस्ट कर दूंगा। अभी ये मेरा रोस्ट हो गया है। इसमें क्या करना है, मैं एक कप अगर मिलेट लेता हूँ तो यहाँ पे 2 कप वाटर लेता हूँ। और फिर इसको स्लो मीडियम फ्लेम में इसको रखते हैं। अभी इसको कवर कर लेते हैं। अभी देखते हैं। अभी इसको कवर कर लेते हैं। अभी देखते हैं। ये पूरा खिला खिला हो गया। अभी इसको तड़का देते हैं। तड़के के लिए मैं पैन बिठा दिया हूँ। इसमें मैं घी लेता हूँ। यहाँ पे मैं मस्टर्ड सीड लेता हूँ, करी पत्ता, चॉप जिंजर और चॉप ऑनियन। इसको थोड़ा सॉफ्ट करता हूँ। और यहाँ पे थोड़ी सी ग्रीन चिली चॉप। यहाँ पे मेरे पास चॉप किया हुआ कैरेट है, मैं इसको ऐड करता हूँ। बीन्स है, इसको भी ऐड करता हूँ। और ब्रोकली, इसको भी ऐड करता हूँ। आपके पास जो भी वेजिटेबल है आप उसको चॉप करके ऐड कर सकते हैं या बॉईल करके भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे थोड़ा से सौते कर लेते हैं। इसमें थोड़ा कवर कर लेते हैं, वेजिटेबल अच्छे से कुक हो जाएगा।
यहाँ पे हमारा वेजिटेबल कुक हो चुका है। इसमें ऐड करेंगे हमारा मिलेट, और यहाँ पे सॉल्ट ऐड करेंगे टू टेस्ट, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर के ब्लैक पेपर ऐड कर दें। और मेरे पास चॉप किया हुआ कोरिएंडर है, उसको भी थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। और इसको सिम में रख के एक मिनट के लिए इसको कवर कर लेते हैं। अभी ये हमारा रेडी हो गया है मिलेट उपमा, इसको प्लेटिंग करते हैं। बन के तैयार है हमारा बनियाड उपमा या बनियाड मिलेट उपमा। ऐसे ही हेल्दी रेसिपी पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले बहुत सारे हेल्दी रेसिपी आपको मिल सके। अगर बनियाड आपको नहीं मिलता है तो नीचे दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके वहाँ से भी मंगा सकते हैं। धन्यवाद।